क्या आपको पता है राहुल गांधी कितने अमीर है? राहुल गांधी के पास कितनी संपत्ति है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बता देते हैं। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में राहुल गांधी आते हैं। सोमवार 19 जून को राहुल गांधी 53 साल के हो गए हैं। इस बीच चर्चा शुरू हुई कि राहुल के पास कितनी संपत्ति है, कितने रुपयों के मालिक है राहुल गांधी। तो हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की संपत्ति में उनके पास अपना घर भी नहीं है। जो 3 बार संसद सदस्य बन चुके हैं और हाल ही में अपनी सदस्यता खो चुके हैं। बस कृषि भूमि और डाकघर आदि में किया गया कुछ निवेश ही है राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी हर साल करीब 1 करोड़ रुपए की आय पर इनकम टैक्स भरते हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो हलफनामा दिया था उसके मुताबिक उन्होंने पिछले 5 साल से लगातार करीब 1 करोड़ रुपए की आय पर इनकम टैक्स भरा था। राहुल गांधी के हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति करीब 15 करोड़ की है, जबकि उन पर करीब 72 लाख रुपए की देनदारी भी है। राहुल गांधी का मेहरौली दिल्ली में एक खेत है जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। उनके पास गुरुग्राम में एक कमर्शियल बिल्डिंग में ऑफिस स्पेस भी है, इसकी कीमत 8 करोड़ 75 लाख रुपए है। वही पोस्ट ऑफिस की बात करें तो राहुल गांधी के 3 खातों में करीब 18 लाख रुपए है। उन्होंने बॉन्ड, डिवेंचर और शेयरों में कुल करीब 5 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि राहुल गांधी ने डाकघर योजनाओं में करीब 40 लाख रुपए का निवेश किया है और उनके पास करीब 2,91,000 के आभूषण भी है। हैरानी की बात तो ये है कि राहुल गांधी के पास अपना कोई निजी वाहन भी नहीं है। तो ये थी जानकारी राहुल गांधी की संपत्ति और उपयोग की। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।